गरीब माँ की तीन बेटियों की शादी। सुष्मिता तीन लड़कियों की माँ थी जो घर में बैठकर सिलाई का काम किया करती थी। सुष्मिता गांव के लोगों के कपड़े कम पैसों में ही सिल देती थी जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वो अपने तीनों बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। सुष्मिता की तीनों बेटियां स्कूल जाती थी, वो तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुष्मिता बहुत गरीब थी। सुष्मिता की तीनों बेटियां स्कूल जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ हम स्कूल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, समय पर घर वापस आ जाना। और हाँ सुनो सुमन, ये लो अपने पास कुछ पैसे रख लो, जरूरत पड़े तो इन्हें इस्तेमाल कर लेना। नहीं नहीं माँ, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। सुमन जानती थी कि उसकी माँ बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करती है। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूं, पर मेरे तो नसीब ही खराब है, समय पर काम ही नहीं मिलता है, जिस वजह से मैं तुम लोगों के लिए नई स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पा रही हूं। तुम ये पैसे रख लो, इससे तुम्हें से कोई एक ड्रेस ले लेना। ठीक है माँ, मैं इन पैसों से प्रीति के लिए ड्रेस ले लूंगी, उसके बाद जब पैसे होंगे तो मैं अपने लिए ड्रेस ले लूंगी। ठीक है, अब हम स्कूल जा रहे हैं। अपनी बेटियों के स्कूल चले जाने के बाद सुष्मिता फिर से सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और गांव के कपड़े सिलने लगती है कि तभी वहां से पड़ोस की एक औरत विमला आती है। ये ले सुष्मिता, ये लहंगा का कपड़ा है, इस कपड़े से बहुत ही सुंदर सा लहंगा तैयार कर देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, दिखाइए कपड़ा। अरे वाह, कपड़ा तो बहुत सुंदर लग रहा है, लगता है बहुत महंगा है। हाँ हाँ महंगा क्यों नहीं होगा, मेरी बेटी की शादी का जो है, मैं चाहती हूँ वो अपनी शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत लगे, अब बस तुम इसे अच्छे से सिल देना। वैसे सुष्मिता, तेरी भी तो तीनों बेटियाँ बड़ी हो गई है, तो तूने उनके लिए कुछ सोचा है? तुम कब कर रही हो अपनी बेटियों की शादी? कमला की बात सुनकर सुष्मिता थोड़ी उदास हो जाती है और उससे कहती है, क्या बताऊं दीदी, मैं उनके लिए लड़का तो ढूंढ रही हूं, लेकिन इतनी महंगाई के समय में बिना दहेज के अपनी बेटियों की कैसे शादी कर पाऊंगी? आप तो जानती ही हैं, मैं एक गरीब दर्जी हूं, पूरे दिन मेहनत करके जो भी पैसे कमाती हूं, वो सब घर के खर्चे में चले जाते हैं। मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, वैसे तो तुम्हारी तीनों बेटियाँ बहुत सुंदर है, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के लिए बिना दहेज वाले लड़के ढूंढ सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आपका बहुत उपकार होगा, मैं तो चाहती हूँ किसी तरह अपनी बेटियों के हाथ पीले कर दूँ, उसके बाद वो अपने घर में हंसी खुशी रहे। इसके बाद कमला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही दिन बाद कमला सुष्मिता के तीनों बेटियों के लिए तीन भाई को देखने के लिए जाती है। कमला को वो तीनों भाई बहुत पसंद आते हैं और वो उन तीनों से सुष्मिता की बेटियों के लिए बात कर लेती है। बात करने के बाद कमला उन लड़कों को सुष्मिता के घर बात करने के लिए भेज देती है। लड़के वालों के आने की बात सुनकर कमला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी तीनों बेटियों के लिए बचे हुए कतरन को जोड़ जोड़ कर उनके लिए अच्छे अच्छे सूट बना देती है। अगले ही दिन उन तीनों लड़के वालों के घर वाले सुष्मिता के घर पहुंच जाते हैं। सुष्मिता की तीनों बेटियां अपने सास का आशीर्वाद लेती है और उन्हें चाय नाश्ता परोसती है। ये लो चाय और ये गर्मा गर्म नाश्ता। सुष्मिता, मुझे तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत पसंद आई है, तुम्हारी तीनों बेटी बहुत संस्कारी है, उन्हें दूसरों का आदर सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है, ये रिश्ता पक्का है, और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए, बस तुम आए हुए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सुष्मिता को बहुत अच्छा लगता है कि अब उसकी तीनों बेटियों की शादी हंसी खुशी से हो जाएगी। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेटियों की सास को धन्यवाद देती है। उसके बाद सुष्मिता घर पर और मेहनत और लगन से लोगों के कपड़े सिलती है और पैसे इकट्ठा करती है, पर गांव बहुत छोटा था जिस वजह से उसके पास ज्यादा काम नहीं था, शादी में बहुत खर्चा होना था। तभी सुष्मिता गांव के एक बड़े मंदिर में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है।
जिससे मंदिर में आया हुआ प्रसाद और अन्य वस्तुएं उसे मिल जाती थी। उसी से उसे कुछ मदद मिल जाती थी। एक दिन सुष्मिता मंदिर में देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। काश कि गरीब लोग भी आराम से रह सकते, इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानती हैं, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं एक गरीब दर्जी औरत जिसके पास कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। ऐसे में मैं अपनी बेटियों के ससुराल वालों का स्वागत कैसे करूंगी? सुष्मिता अपनी ये सारी शिकायत देवी माँ से करती है। तभी देवी माँ की मूर्ति से एक आवाज आती है, बेटी तुम काफी समय से मेरी पूजा कर रही हो और तुम्हारी वजह से इस मंदिर में कितनी सफाई रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी तरफ से तुम ये धन अपनी बेटियों की शादी के लिए ले लो। ये धन मेरी तरफ से तुम्हारी बेटियों के लिए एक तोहफा है। देवी माँ का आशीर्वाद मानकर सुष्मिता वो धन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी वो घर आकर देखती है कि उसकी बेटियाँ उसकी माँ को ढूंढ रही है। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैं बस तुम्हारी शादी के लिए तैयारी कर रही हूँ। इस तरह परेशान क्यों कर रही हो? माँ, तैयारी तो होती रहेगी। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। चलो जल्दी से पहले खाना खा लो, काम बाद में होता रहेगा। हाय, मेरी बेटियों को मेरा कितना ध्यान है। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद मेरा कौन ध्यान रखेगा? कल तो तुम लोग डोली में बैठकर अपने अपने ससुराल चली जाओगी। अपनी माँ की ये भावुक भरी बातें सुनकर तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तीनों बेटियाँ अपनी माँ के साथ खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद सुष्मिता अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत ही सुंदर सा टेंट लगवा देती है और अपनी शादी की बाकी की रस्में शुरू कर देती है। बेटियों की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अपनी बेटियों को हल्दी लगता हुआ देखकर सुष्मिता अपने मन ही मन सोचती है, मेरी तीनों बेटियां आज कितनी खुश दिखाई दे रही है। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से कर पाऊंगी। ये सब देवी माँ की ही कृपा है। शादी के टाइम से लेकर बैंड बाजा और स्वागत की तैयारी का सारा सामान मैंने ले लिया है। सुष्मिता अपनी सारी तैयारी को गिनने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटियों के लिए शादी का लहंगा तो लिया ही नहीं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई। मैं इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकती हूँ? मैं अभी जाकर बाजार से तीनों के लिए सुंदर सा लहंगा ले आती हूँ। और फिर सुष्मिता शहर के एक बड़े मॉल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे 3 लहंगे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तीनों लहंगे तो बहुत खूबसूरत है। मेरी तीनों बेटियों पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इन्हें ही खरीद लेती हूँ। सुनिए भाई साहब, ये तीनों लहंगे कितने के हैं? मैडम, ये लहंगा 50,000 रुपए का है, तो 3 लहंगे 1.5 लाख के हैं। अरे ये तो बहुत महंगे हैं। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों बेटियों की शादी है और मुझे ये शादी की तीनों लहंगे खरीदने हैं। मैं बहुत उम्मीद से यहाँ पर आई हूँ। कृपया मुझे निराशा ना करें। मुझे ये लहंगे थोड़े सस्ते में दे दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुष्मिता की ये सारी बातें सुनकर दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो सुष्मिता को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देता है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं। लेना वेना कुछ होता नहीं है, खामखा टाइम खराब करते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद सुष्मिता गांव की एक सस्ती दुकान से लहंगे का कपड़ा खरीद लेती है और घर जाकर उस कपड़े को अपनी तीनों बेटियों के लिए गोटा लगाकर बहुत ही खूबसूरत लहंगा तैयार कर देती है। अगले ही दिन सुष्मिता अपनी बेटियों को शादी का लहंगा दे देती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है। बेटी, तुम सबके लिए इतना तो मुझे करना ही था। मैं तुम्हारे लिए बाजार से महंगा लहंगा तो नहीं खरीद पाई, पर इस कपड़े से तुम्हारे लिए सुंदर सा लहंगा बना दिया। माँ, हमारे लिए ये लहंगा बहुत कीमती है और सबसे महंगा भी है।
अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से जाकर तुम तीनों ये लहंगे पहन लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है। इसके बाद सुष्मिता अपने हाथों से सिले हुए लहंगे अपनी तीनों बेटियों को दे देती है और उन्हें लहंगा पहनाने के बाद मंडप में बिठा देती है। सुष्मिता अपनी तीनों बेटियों की शादी संपन्न तरीके से कर देती है और तीनों बेटियों को विदा कर देती है। सुष्मिता की तीनों बेटियों के लहंगे बहुत अच्छे थे। जब लोग उसे देखते हैं तो फिर वो सुष्मिता को और भी लहंगों के ऑर्डर देने लगते हैं। अपनी बेटियों के जाने के बाद सुष्मिता अब लोगों के लिए सुंदर डिजाइन वाले लहंगे सेल में लगाती है और पैसे कमाती है और इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगती है। मुंबई शहर के छोटे से नगर में विजय अपने परिवार के साथ रहता था। विजय की पत्नी का नाम सुमन था और वह नवविवाहित जोड़ा था। क्योंकि विजय की शादी अभी अभी हुई थी तो वो अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी पत्नी सुमन को अक्सर घुमाने ले जाया करता था और उसके साथ समय बिताया करता था। विजय और सुमन एक साथ रहकर बहुत खुश थे। एक समय आता है जब सुमन गर्भवती हो जाती है, परंतु सुमन अपना ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाती थी, जिस वजह से उसे काफी परेशानियां होती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। विजय अपने काम पर चला जाता था। विजय के बाद सुमन को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए विजय अपनी माँ को गांव से अपने घर ले आता है। अब विजय की माँ सुमन का ध्यान रखती है। घर में खुशियों का माहौल था, सभी लोग बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और अब एक दिन सुमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी उसकी सास उसे अस्पताल में भर्ती कर देती है। उसके बाद विजय को फोन कर देती है। विजय भी अपने काम से छुट्टी लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और दोनों ओपीडी के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर आती है और कहती है, बधाई हो विजय, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, तुम अंदर जाकर अपनी बेटी से मिल सकते हो, परंतु मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सकी, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। क्या कहा डॉक्टर आपने, अगर सुमन ही नहीं बची तो इसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, ये बिना माँ की बच्ची अब कैसे पलेगी। हमने बहुत कोशिश की परंतु हम सुमन को नहीं बचा सके, अब आपको ही इसकी परवरिश करनी होगी, आप दोनों इसको घर ले जा सकते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। विजय ओपीडी के अंदर जाता है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है। अपनी पत्नी के शव को देखकर विजय बहुत ज्यादा रोता है। सुमन, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो, अब मैं इस अकेली बच्ची का ध्यान कैसे रख पाऊंगा, तुमने मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया है। इतना कहकर विजय बहुत जोर जोर से रोने लगता है। विजय की माँ ओपीडी के अंदर जाती है और विजय को संभालती है। विजय की माँ जब विजय की लड़की को देखती है तो वो देखकर उसे हैरान हो जाती है। उसकी सूरत तो बहुत ज्यादा काली थी और नैन नक्श बहुत ज्यादा खराब थे। हे भगवान, ये कैसी संतान को जन्म दिया है तेरी पत्नी ने, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज अमावस का दिन हो, मुझे तो लगता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मनहूस होगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो, आखिर है तो ये मेरी संतान ही ना, तुम भी कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो, कुछ सोच समझ लिया करो। इसके बाद विजय अपनी पत्नी के शव को लेकर और अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। विजय अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है और घर पर उदास बैठा होता है। अरे बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है, कब तक अपनी बीवी के जाने का गम मनाता रहेगा। विजय अपनी माँ को जवाब नहीं देता है और अपनी बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। विजय की बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। विजय अपनी बेटी को एक हाथ में लेकर किचन में जाता है और उसके लिए दूध गर्म करता है और उसे पिलाता है। उसके बाद वो सो जाती है। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बेटी की परवरिश करे या अपना काम करे, क्योंकि विजय की माँ तो उसकी बेटी को एक पल भी नहीं देखती थी।
विजय एक दिन अपने घर पर हवन करवाता है और उस दिन अपनी बेटी का नामकरण करता है। वो अपनी बेटी का नाम परी रखता है और उसका ध्यान रखता है। परी एक साल की हो जाती है। विजय ने उसे बहुत मुश्किलों से संभाला था। माँ, आखिर कब तक तुम इस तरह व्यवहार करती रहोगी? अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो खाने के लिए घर में राशन कहाँ से आएगा? मैं कल से काम पर जाऊँगा और तुम्हें इस बच्ची की देखभाल करनी है। देख विजय, मेरी अब उम्र हो गई है, मैं इस बच्ची की परवरिश नहीं कर सकती हूँ। मेरी मान तो तू अब एक दूसरी शादी कर ले, अभी तेरी उम्र कुछ ज्यादा भी नहीं है। तुझे एक अच्छी लड़की मिल जाएगी जो तेरी लड़की की परवरिश भी कर देगी। वैसे भी मैं तो बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, तेरे पास तो आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है। तू अपनी बेटी की परवरिश अकेले नहीं कर सकता है, इसे एक माँ की जरूरत है। मेरी बात मान ले, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। तू कहे तो मैं कल ही जाकर उनसे शादी की बात कर लेती हूँ, लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है माँ, अगर मेरी बेटी की परवरिश करने के लिए एक माँ की जरूरत है तो मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। परंतु मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ कि मैं अब अपने और औलाद पैदा नहीं करूँगा। अगर वो लड़की इस बात से राजी हो जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ बोलकर तो मेरे कलेजे को ठंडक दे दी है। मैं तो कब से तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। मैं आज ही जाकर शादी की बात करती हूँ, परंतु तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। शादी से पहले तू उस लड़की को ये नहीं बताएगा कि तेरी पहले से ही एक लड़की है। तू जानता है ना कि एक कुंवारी लड़की कभी भी ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी के पहले से कोई संतान हो। जब शादी हो जाएगी उसके बाद सब कुछ उसे पता चल जाएगा, परंतु जब तक तुम्हें चुप रहना होगा। लेकिन माँ, ये तो धोखेबाजी हुई ना, क्या पता वो यहाँ आकर उसकी परवरिश करने से इनकार कर दे, फिर हम क्या करेंगे? अरे बेटा, कुछ गलत बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद विजय अपने काम पर जाने लगता है और विजय की माँ परी का ध्यान रखने लगती है। विजय की माँ विजय की दूसरी शादी करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे एक लड़की मिल जाती है। उसके बाद विजय की माँ उन दोनों की शादी कर देती है। विजय की दूसरी पत्नी का नाम राधा था। राधा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो शहर की एक मॉडल लड़की थी। शादी के बाद राधा विजय के घर आ जाती है। विजय की माँ दोनों का स्वागत करती है। तभी राधा पूरे घर को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। तभी राधा परी के कमरे में जाती है और परी को देखकर हैरान हो जाती है। माँ, ये कौन है? अरे बेटी, बेटी ये एक लड़की है जो विजय को एक मंदिर के बाहर मिली थी। विजय बहुत दयालु किस्म का इंसान है, इसलिए उसे ये सब देखा नहीं गया और वो इस लड़की को उठाकर घर ले आया। ओ माय गॉड, माँ इसकी हालत तो देखो कितनी बुरी है, कितनी बदसूरत दिख रही है ये। मुझे तो लग रहा है विजय के व्यापार में नाकामयाबी के पीछे इसी का हाथ है, हमें इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी माँ राधा के कान में कहती है, अरे बेटी, विजय इसे बहुत प्रेम करता है, हमें इसे घर से बाहर निकालने के लिए कुछ तरकीब निकालनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। अब दोनों सास बहू कानाफूसी करती हैं और राधा जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन विजय अपने काम पर चला जाता है और राधा माँ के बताए अनुसार परी को वापस मंदिर की ओर छोड़कर आ जाती है और उसके बाद घर पर आकर पार्टी करने लगती है। शाम को जब विजय अपने काम से वापस आता है तो वो परी को इधर उधर ढूंढने लगता है, परंतु उसे परी कहीं नजर नहीं आती है। विजय राधा को आवाज देता है, राधा राधा जल्दी इधर आओ। क्या हुआ विजय, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊ नहीं तो और क्या करूं, पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे परी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ है परी? मुझे नहीं पता परी कहाँ है, आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं यहाँ पर परी की परवरिश करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। माँ, माँ कहाँ है? माँ शायद पूजा करने के लिए मंदिर गई है, अभी आने ही वाली होगी।
विजय सोचता है कि शायद माँ परी को अपने साथ मंदिर ले गई हो। विजय अपना हाथ मुंह धो लेता है और खाना खा लेता है। विजय की माँ जब मंदिर से वापस आती है तो उनको खाली हाथ देखकर विजय उनसे प्रश्न करता है, माँ माँ परी कहाँ है? मैं जब से कामपर से वापस आया हूँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राधा से भी मैंने पूछा, वो कह रही है कि तुम्हारे साथ है, पर आप तो मंदिर से खाली हाथ वापस आ रही हो। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं परी को लेकर मंदिर गई थी। मैं पूजा करते समय परी को थोड़ी देर के लिए मंदिर के फर्श पर बैठा दिया था, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, तभी मुझे मंदिर से आने में इतनी देर हो गई। माँ आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे जब तक मेरी बेटी वापस नहीं मिल जाएगी मैं घर वापस नहीं आऊँगा। इतना कहकर विजय अपने घर से चला जाता है और अपनी बेटी की तलाश करता है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में एक छोटी सी लड़की को रोता हुआ देखकर आसमान में उड़ती हुई एक परी उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे परीलोक ले जाती है। परी बहुत ज्यादा रो रही होती है, तभी नीली परी उसे चुप कराती है। सभी परियां उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। नीली परी तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली, ये तो बहुत ज्यादा रो रही है, क्या इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मैं धरती पर सैर कर रही थी तभी मुझे ये लड़की एक मंदिर के बाहर रोते हुए नजर आई और इसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ उठा कर ले आई हूँ। देखो ना, इस बच्ची को इतना बदसूरत होने की वजह से इसके माता पिता इसको मंदिर में छोड़कर चले गए हैं शायद। हाँ नीलपरी, आजकल लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं, वो खूबसूरती को ही सब कुछ समझते हैं। कोई बात नहीं, अब इस छोटी बच्ची का ध्यान हम रखेंगे। इसके बाद नील परी और नटखट परी मिलकर उस लड़की को रानी परी के पास लेकर जाते हैं और रानी परी को सारी कहानी बता देते हैं। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से परी को बहुत खूबसूरत बना देती है और अब उसकी नीली आंखें, लंबे सुनहरे बाल और एक खूबसूरत सी ड्रेस में एकदम परी बन जाती है। रानी परी उसकी परवरिश करती है और धीरे धीरे कर वो 6 वर्ष की हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी बेटी की तलाश करते हुए बहुत दूर दूर तक घूमता है और बहुत परेशान रहता है। काश मैं माँ के कहे अनुसार दूसरी शादी ना की होती तो शायद आज मेरी परी मेरे पास होती। सुमन तुम कहाँ हो, देख रही हो ना, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो और परी भी मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं क्या करूँ, इस दुनिया में मुझे अब अकेला नहीं रहना है, मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। विजय बहुत परेशान होता है और रोने लगता है। विजय को रोता हुआ देखकर उसकी मरी हुई पत्नी सुमन उसके सामने प्रकट होती है और उससे पूछती है, विजय तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारी परी बिल्कुल सुरक्षित है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी ने परी को मंदिर में छोड़ दिया था और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही थी, तभी नील परी उसे उठाकर परीलोक में ले गई और अब वही उसकी परवरिश कर रही है। हमारी बेटी एकदम सुरक्षित है और अब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो गई है। मैं अपनी बेटी को एक बार देखना चाहता हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे होते हुए उसके साथ इतना कुछ हो गया। विजय हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से विनती करता है कि वो अपनी परी से मिलना चाहता है। तभी विजय की वो तमन्ना को देखकर नील परी परीलोक से परी को लेकर विजय के पास आती है और उसे बताती है कि यही परी है। विजय अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारी परवरिश बिल्कुल भी नहीं कर पाया हूँ, परंतु मैं वापस अपनी माँ और अपनी पत्नी के पास कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अपनी बेटी के प्रति विजय का इतना प्रेम देखकर नील परी परी को विजय को सौंप देती है और अब विजय अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहने लगता है। विजय अपनी बेटी का एडमिशन एक स्कूल में कर देता है और वो उसके लिए सुबह उठकर नाश्ता बनाता है और उसे स्कूल छोड़कर आता है। उसके बाद अपने ऑफिस चला जाता है। इस तरह विजय अपनी बेटी का अब बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और विजय की बेटी बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद परी अपने पापा का बहुत ध्यान रखती है।
उन्हें समय पर दवाई देती है और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। जादुई अखबार की फ्रॉक। एक समय की बात है, चांदनी चौक शहर में संध्या नाम की एक लड़की अपनी माँ बसंती और पिता सुनील के साथ रहती थी। संध्या के माता पिता बहुत गरीब थे। संध्या के पिता गांव में चप्पल बनाने और चप्पल ठीक करने का काम किया करते थे। संध्या की माँ अपनी दहेज में लाई हुई सिलाई मशीन से गांव के लोगों के कपड़े सिला करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वह उन पैसों से घर का गुजारा करती थी। सुनील अपने काम से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। गाँव में सभी लोग गरीब थे, इसलिए वो बहुत कम चप्पल खरीदते थे। एक बार चप्पल लेने के बाद उसे सुनील से ठीक करवा लिया करते थे। सुनील अपने घर के बाहर एक छोटी सी जगह पर बैठा करता था। वहीं पर ग्राहक आते थे और सुनील से अपनी चप्पल ठीक करवाते थे। अरे भाई, जरा ये चप्पल तो सिल देना, मेरी बेटी ने कूद कूद कर इसे तोड़ दिया है। हाँ हाँ, लाओ बहन, अभी ठीक कर देता हूँ। सुनील चप्पल सिलने का सामान बाहर निकाल लेता है और चप्पल सिलकर उसे दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम इस गांव में चप्पल ठीक नहीं करते तो आज हमें शहर जाकर नई चप्पल लेकर आनी पड़ती। शहर में चप्पल के दाम कितने ज्यादा है? अच्छा ये बताओ, चप्पल सिलने के कितने रुपए दे दूं? 5 रुपए हो गए हैं। वो औरत सुनील को रुपए देकर घर वापस चली जाती है। सुनील पूरे दिन भर में 2 या 3 चप्पल ही ठीक किया करता था और उसकी हफ्ते में 1-2 नई जोड़ी चप्पल भी बिक जाया करती थी, परंतु इन पैसों से उसका गुजारा कहाँ हो पाता था। अपने पति को सहारा देने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए संध्या की माँ भी गांव में लोगों के छोटे मोटे कपड़े सिल देती थी और उनसे पैसे ले लेती थी। सुनील अपनी बेटी को गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था और संध्या ने अपनी 12वीं कक्षा गांव के सरकारी स्कूल से पास कर ली। इसके बाद संध्या एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पता करने के लिए संध्या शहर जाती है। तब वहां जाकर उसे पता चलता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसे 2 लाख रुपए देने होंगे, तब उसका एडमिशन शहर के फैशन डिजाइनिंग वाले कॉलेज में हो पाएगा। संध्या जानती थी कि उसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फिर भी वो कैसे ना कैसे करके अपनी माँ से बात करती है। माँ, माँ आपको पता है ना, मैंने 12वीं कक्षा कितने अच्छे अंकों से पास करी है। माँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँ। मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। लेकिन संध्या बेटी, तुम जानती हो ना हमारे घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, और तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में तो बहुत पैसा लग जाएगा। माँ प्लीज, मैंने बचपन से लेकर आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, प्लीज मुझे इस बार शहर के फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे पिताजी से बात करके बताती हूँ। तुम्हारे कॉलेज की फीस कितनी लगेगी मुझे बता दो। माँ, फैशन डिजाइनिंग की कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है, पर मैंने 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे, जिस वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप लगाने के बाद मुझे 2 लाख रुपए और भरने होंगे, तब मुझे एडमिशन मिलेगा। क्या कहा, 2 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे तो हमारे पास है भी नहीं, और तुम्हारी शादी भी तो करनी है। माँ प्लीज, कुछ भी करके आप बस मेरे कॉलेज की फीस भर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनूंगी और थोड़े ही समय में मैं इतना पैसा फिर से कमा लूंगी। संध्या अपनी माँ को अपनी सारी बातें समझाती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। संध्या की माँ संध्या के पिताजी के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को जब सुनील घर वापस आता है तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद संध्या की माँ सुनील से कहती है, सुनो जी, हमारी बिटिया संध्या फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है, हमारे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या संध्या का फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज में एडमिशन करा दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी बिटिया बहुत समझदार है, पढ़ने लिखने में सबसे आगे है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। पर वो दरअसल बात ये है कि घर में तो केवल कुछ ही रुपए रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरे रखे हुए गहने को मैं गिरवी रखवा दूं, समय आने पर पैसे देकर वापस ले लेंगे।
हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर हमारी एक ही तो बेटी है, हमें भी तो उसके सपने पूरे करने हैं। वैसे भी हमने उसकी आज तक कौन सी ख्वाहिश पूरी कर पाई है? अगर वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो कोई बात नहीं, तुम अपने गहने गिरवी रख दो। अपने माता पिता की ये बात संध्या सुन लेती है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ आप कितनी अच्छी हैं। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरे मन लगाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँगी और आपके गिरवी रखे हुए गहनों को मैं वापस लेकर आऊँगी। अगले ही दिन संध्या की माँ अपने गहने को सुंदर के पास गिरवी रख देती है और बदले में पैसे ले आती है। संध्या उन पैसों से अपना एडमिशन फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में कर लेती है। शहर का कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज था, जहाँ पर सभी बच्चे नए नए डिजाइन के कपड़े पहनकर कॉलेज पढ़ने आते थे। संध्या जब पहले दिन अपने कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि कॉलेज कितना बड़ा है, चारों तरफ सभी लोग घूम रहे हैं। अरे वाह, ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आए हैं। संध्या ने इससे पहले कॉलेज नहीं देखा था। संध्या जब अपनी कक्षा में जा रही होती है तभी कुछ लोग आकर संध्या की रैगिंग करने लगते हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो, इधर आओ जरा। क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ हाँ तुम्हें ही बुला रहे हैं बहन जी, इधर तो आओ। बहन जी आ गई है, जरा इसके कपड़े तो देखो कितने अजीब लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गाँव से आई है। एक बात बताओ, तुम ये इतना गंदा सा सूट किससे सिलवा कर आई हो? नहीं नहीं ये सूट गंदा नहीं है, इसे मेरी माँ ने खुद सिला है। अच्छा तो तुम्हारी माँ इतने गंदे कपड़े सिलती है क्या? हाँ हाँ, तभी तो अपनी बेटी को इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, ताकि वो फैशन डिजाइनिंग सीख ले और उसकी तरह गाँव में कपड़े सिलने लग जाए। कॉलेज के सभी सीनियर संध्या का मजाक बना रहे थे कि तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है। प्रोफेसर को देखकर सीनियर वहां से भाग जाते हैं। संध्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो चुपचाप धीरे धीरे अपनी कक्षा में चली जाती है। कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे हुए थे, परंतु कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। कुछ लोग फोन चला रहे थे और कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। पर संध्या ने तो मन में ठान लिया था कि वो एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनेगी। संध्या अपने कॉलेज में लगातार पढ़ाई करती थी और घर पर जाकर उसके प्रैक्टिस भी करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन संध्या के कॉलेज में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा था, जिसमें सभी को फैशन डिजाइनर का हुनर दिखाना था। संध्या भी उस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है। घर पर आकर संध्या अपनी माँ को सब कुछ बताती है। माँ आपको पता है हमारे कॉलेज में फैशन डिजाइनर कंपटीशन है, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 2,00,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुमने सोचा है कि तुम फैशन डिजाइनिंग में क्या बनाओगी? हाँ माँ मैंने सोचा है, मैंने जो भी आज तक कॉलेज में सीखा है मैं वो सब मिला जुला कर एक बहुत अच्छा ड्रेस बनाऊंगी। लेकिन बेटी ड्रेस बनाने के लिए तो हमें बहुत ही सुंदर कपड़ा लेकर आना होगा, और उस ड्रेस को सजाने के लिए सुंदर और महंगा मटेरियल भी लाना होगा, और इन सब के लिए तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हाँ माँ ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, पर अब चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर सोच लूंगी। फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन आने वाले 2 दिन में ही था। उन 2 दिनों में संध्या को एक खूबसूरत ड्रेस बनाकर तैयार करना था, परंतु पैसे ना होने की वजह से संध्या कपड़ा नहीं खरीद पाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी संध्या को अपने घर में टेबल पर रखे हुए कुछ अखबार नजर आते हैं। उन अखबार को देखकर संध्या के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। संध्या रात भर बैठकर उस अखबार को काट काट कर कुछ नया सिलकर तैयार कर देती है। संध्या ने पूरी रात बैठकर बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बनाई थी, पर वो फ्रॉक अखबार की बनी हुई थी, जिसे पहनना बहुत मुश्किल था। अगर वो जरा सी भी फट जाती है तो पूरी फ्रॉक खराब हो जाएगी। संध्या ये सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। ये फ्रॉक तो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं इसे किस तरह पहनूंगी। अगर ये फट गई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में ये कॉम्पिटिशन जीतना है और अपनी माँ की गिरवी रखे हुए गहने को लेकर आना है, पर ये सब कैसे होगा? हे भगवान जी आप मेरी मदद करो, कोई तो चमत्कार दिखा दो। संध्या ये सब कहते कहते अपने कमरे में सो जाती है। संध्या बहुत ज्यादा थकी हुई थी।
जिस वजह से वो बहुत जल्दी सो जाती है। संध्या की परेशानी को आसमान से एक परी देखती है। तभी वो संध्या की मदद करने के लिए संध्या के कमरे में आती है और उसके द्वारा बनाई हुई फ्रॉक में अपनी जादुई शक्तियों से उसे मजबूत और भी सुंदर और आकर्षित बना देती है। सुबह जब संध्या की माँ सोकर उठती है तो वो संध्या के कमरे में आती है और संध्या की बनाई हुई ड्रेस को देखकर वो हैरान हो जाती है। संध्या की माँ संध्या को उठाते हुए कहती है, अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतनी सुंदर फ्रॉक तुमने कैसे बना ली? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। संध्या जब अपनी फ्रॉक को देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो फ्रॉक उसने खुद बनाई है। संध्या का कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है और संध्या अपने बनाए हुए फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है। संध्या उस फ्रॉक को पहनकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। संध्या उस फ्रॉक को पहनकर अपने कॉलेज में जाती है। तब वो देखती है कि कॉलेज की सभी लड़कियां लड़के अलग अलग तरह की पोशाक पहनकर आए हैं। संध्या की अखबार की ड्रेस देखकर सभी लोग उससे पूछने लगते हैं, अरे वाह, जरा देखो तो, ये संध्या ने क्या बनाया है? मुझे तो लग रहा है चारों तरफ अखबार लपेट कर आ गई है। कहीं ऐसा ना हो जरा सी भी हवा आए और इसका सारा अखबार उड़ जाए। अरे इस गरीब के घर में कुछ मिला ही नहीं होगा इसे, तभी तो अखबार की बनी हुई ड्रेस पहन कर आ गई है। अगर इसके बस की नहीं थी फैशन डिजाइनिंग करनी तो फिर फालतू में क्यों एडमिशन करा लिया। संध्या सबकी बातों को अनसुना कर देती है और उसके बाद कॉलेज में स्टेज पर परफॉर्मेंस होने लगती है। एक एक करके सभी अपना ड्रेस दिखाने लगते हैं। उसके बाद संध्या की बारी आती है। संध्या भी अपनी अखबार की बनी हुई ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाती है। वो ड्रेस देखकर जजेस को बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसा जजेस ने पहले कभी नहीं देखा था। संध्या की इस कलाकारी को देखते हुए संध्या को विजेता घोषित कर दिया जाता है और संध्या को इनाम दिया जाता है। संध्या वो इनाम लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इनाम लेने के बाद संध्या सीधे सुंदर के पास जाती है और अपनी माँ के गिरवी रखे हुए गहने को ले आती है। घर जाकर संध्या अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। बेटा, मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा था कि तू ही ये कॉम्पिटिशन जीतेगी, और देख तेरे घर से जाने के बाद क्या हुआ, हमारे घर के हालात खुद ब खुद इतना बदल गया है। संध्या अपने चारों तरफ घर के हालात देखती है तो वो देखती है कि अब वो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर से घर में बदल गई है। संध्या को ये सब देखकर हैरानी होती है। तभी उसकी अखबार की फ्रॉक से आवाज आती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने किया है। संध्या, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, इसलिए आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम उसे मांग सकती हो। मैं एक जादुई अखबार की फ्रॉक हूँ। क्या कहा, जादुई अखबार की फ्रॉक? संध्या को अपने घर की स्थिति देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो इनाम के पैसे भी जीत जाती है। इनाम के पैसों से वो अपनी माँ के गहने भी वापस अपनी माँ को लौटा देती है। और उसके बाद संध्या की अखबार की ड्रेस की खबर सारे अखबारों में छप जाती है और अब सभी लोग संध्या के घर इंटरव्यू लेने आते हैं और संध्या बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। संध्या के घर पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं और धीरे धीरे करके संध्या बहुत पैसे कमा लेती है।